हरिओम। मैं डॉक्टर अजय सिंह राघव, मैं अपने सदगुरु परम पूज्य डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी, अपने परम पूज्य बापू जी से सन 2006 से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और वहाँ पर मेरा परिवार रुड़की में रहता है और जहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर मेरा जॉब है, जहाँ मुझे जाना पड़ता है। मैं चिकित्सक हूँ और वहाँ सरकारी अस्पताल में कार्यरत हूँ। अभी 2006 से जुड़ने के बाद से लेके और अब तक बापू का संरक्षण मुझे कैसे प्राप्त है, पल पल पे और पग पग पे, उसका एक निवर्तमान जो सबसे अभी ताज़ा तरीन उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मैं अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। अभी 2015 शुरू हुआ था, 4 तारीख को मैं अपने रुड़की शहर से मैं पिथौरागढ़ के लिए निकलता हूँ, मेरी गाड़ी वैगन आर, और उसमें मैं अकेले ही सफ़र कर रहा था, खुद ही ड्राइव कर रहा था। जाहिर सी बात है, बापू सदैव साथ रहते हैं, तो अपने रास्ते में जो शहर पड़ते हैं वहाँ पर मेरे गुण संकीर्तन के भी शेड्यूल रहते हैं। उस शेड्यूल से मैं 2-3 शेड्यूल पार करता हुआ मैं रात में करीब 9 बजे अफजलगढ़ नाम का एक शहर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैं वहाँ से गुजर रहा था। अफजलगढ़ में एक बहुत बड़ी शुगर मिल है, उस शुगर मिल के बाहर जब मैं 1-2 किलोमीटर पहले पहुंचा था तो वहाँ पर एक काफ़ी लंबी खाली ट्रकों की एक कतार खड़ी हुई थी, तो उस कतार के चलते मैंने अपनी गाड़ी की गति पहले से ही कम कर रखी थी और मैं लगभग 40-45 की गति से वहाँ से निकल रहा था। और जहाँ ट्रकों की कतार ख़त्म हो रही थी वहाँ पर सामने फैक्ट्री का गेट था, तो पता नहीं किस कारण से कोई ट्रैक्टर वाला बहुत तेज़ी से अचानक, जिसको कि उधर से कम तो देखना चाहिए था, लेकिन मेरे आगे ट्रक के पीछे से जो ट्रकों की कतार थी उसके सामने से आके 4 फीट की दूरी पे एकदम से प्रकट होता है और मेरे लाख बचाने के बावजूद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि अगर मैं ज़्यादा बाएं काटता तो ट्रक में लड़ जाता। और सामने से वो ट्रैक्टर था और वो ट्रैक्टर भी इतना तेज़ था कि वो अनियंत्रित था, तो बहुत बचाते बचाते मेरे गाड़ी का अगला पहिया उस ट्रैक्टर के पिछले पहिए में बहुत बुरी तरह टकराया, इतनी बुरी तरह टकराया कि मेरी सीधी गाड़ी जाती हुई वो राइट एंगल पे टर्न होके सड़क पे टेढ़ी टेढ़ी खड़ी हो गई। एक्सीडेंट के बाद वो ड्राइवर रुका नहीं, उसने और भागने का प्रयास किया। उस भागने के प्रयास में जो पीछे से उसकी लोडेड ट्रॉली थी जिसमें पूरा गन्ना भरा हुआ था, उस ट्रॉली के कोने ने मेरे गाड़ी के बाईं तरफ से बोनेट में जो एक काटना शुरू किया, तो बाएं से लेके दाएं तक मेरी पूरी गाड़ी काट डाली उसने। और ऐसी स्थिति में जब थोड़ी उसकी गाड़ी और ट्रैक्टर उलझा हुआ था तो मैं गाड़ी से तुरंत उतरा और मैंने उसको डांटा, मैंने कहा अब डैमेज हो गई, उसको और क्यों डैमेज कर रहे हो। तो उसने किसी तरह से बोला कि अभी रोक रहा हूँ। ऐसे करते करते वो 10-15 फीट तक और आगे बढ़ गया और फिर उसके बाद मैं असमंजस में आ गया कि मेरे गाड़ी में कुछ वैल्यूएबल्स रखे हुए हैं तो उसको कोई ना उड़ा दे, क्योंकि नुकसान तो मेरा पहले ही हो चुका था और उसमें नुकसान में और नुकसान ना हो। तो मैं वापस गाड़ी की तरफ लौटा और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि उस ट्रैक्टर वाले को रोको, लेकिन वो लोकल लोग थे, लोकल लोग ने लोकल ट्रैक्टर वाले की मदद करी और उस ट्रैक्टर को भगा दिया। मैं अकेला पड़ गया था वहाँ पर, लेकिन सदगुरु मेरे साथ में सदैव रहते हैं, इसका आभास मुझे उसी क्षण हुआ। क्योंकि जैसे ही मैंने 100 नंबर पे पुलिस को डायल किया, लोग सोचते होंगे रिस्पांस मिलता है नहीं मिलता मुझे पता नहीं, लेकिन 17 मिनट में मेरे आगे पुलिस वहीं पे आके खड़ी थी। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी सारी सिचुएशन देखी, गाड़ी को देखा और फिर मुझे गाड़ी से मेरा सामान निकलवा के अपने साथ में रख के ले गए, थाने में रिपोर्ट लिखाई और वापस लाके मेरी गाड़ी के पास छोड़ा और कहा कि आप अपने गाड़ी में जो बचा खुचा है उसको तो संभाल के रखो, नहीं तो खड़ी गाड़ी में कोई भी और भी सामान निकाल लेगा। और फिर उन्होंने उस मिल के अंदर जाके पूरा जब देखना शुरू किया कि देख लो शायद वो ट्रैक्टर यहाँ खड़ा हो, तो जब पुलिस के साथ मैं जीप में अंदर घूमने जाता हूँ तो उसमें करीब 3,500 ट्रैक्टर लोडेड लाइन से लगे हुए थे, जिगजैग लाइन जैसी बनी रहती है शुगर मिल में, वो 3,500 ट्रैक्टर खड़े थे जिसमें ड्राइवर मौजूद नहीं थे क्योंकि वो लाइन में थे और ठंड बहुत थी, तो अपने अपने 25-25 का ग्रुप बना के वो उसमें वो आग ताप रहे थे।
तो उसमें ना ट्रैक्टर पहचान में आ रहा था अंधेरे में, ना लोग ना ड्राइवर पहचान में आ रहा था, और कोई इतनी पहचान भी नहीं थी। मुश्किल से आधा मिनट वो ड्राइवर मेरी आँख के सामने रहा होगा, तो पहचान बहुत ज़्यादा पहचान का कोई मतलब नहीं है। उस 3,500 की भीड़ को देख के मैं पुलिस वालों के साथ, पुलिस वालों ने भी कहा कि सुबह पूछताछ करके पता निकालेंगे कि कौन ट्रैक्टर वाला था, कैसे था, तब तक आप इधर ही गाड़ी के पास अपना गाड़ी में ही विश्राम करो। वो पुलिस वाले मुझे गाड़ी के पास छोड़ के रात में 11 बजे, 9 बजे एक्सीडेंट हुआ था, और रात में लगभग 11:45 बजे वो चले गए। इसी बीच जब मैं थाने में रिपोर्ट लिखा रहा था तो मुझको ध्यान आया था कि इसी शहर के पास मैंने एक व्यक्ति को 2-3 साल पहले लिफ्ट दी थी, और उस व्यक्ति से मेरा संपर्क तब से बना हुआ था, और उसके यहाँ मैं गुण संकीर्तन भी कर चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको फ़ोन करें, कोई मददगार तो साथ में मिल जाए। तो जब जैसे ही उसको फ़ोन लगाया तो वो व्यक्ति रात में 11 बजे कहता है मेरी नाइट ड्यूटी है और मैं मिल में ही हूँ। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप गेट पर आ जाओ। तो वो गेट पे आए तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा आपने कुछ खाया, तो खाया तो नहीं था मैंने, तो उन्होंने मुझे कैंटीन में ले जाके जो भी कुछ खिला सकते थे वहाँ पर अवेलेबल था, वो रात में 11 बजे तक खिलाया। फिर उसमें खाने पीने में और आधा घंटा लग गया, चाय पिलाई, और आधा घंटे बाद मेरे मन में विचार आया कि देख तो आए हैं लेकिन एक बार फिर चल के देख लो। तो वो टाइमिंग इतनी एग्जैक्ट थी कि जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर मैकेनाइज्ड वो जॉ है जो कि ट्रॉली को खाली करता है, 2 मिनट लगता है उस जगह में खाली करने में, और जिस समय मैं उस स्थान पर पहुंचा था और जो ट्रैक्टर खाली होके चुका था, उसी ट्रैक्टर पे मुझे जब गौर से देखा तो उसके टायर पे मेरी टायर के रगड़ के निशान मिले, मेरे रिम से उसके बड़े वाले टायर में रिम टकराने के निशान मिले। उसका रिम भी टेढ़ा था, मेरा रिम का तो पूरा टोटल डैमेज हो चुका था, गाड़ी धक्का देके भी चलने लायक नहीं थी। और उसकी ट्रॉली ने जो मेरी गाड़ी का बोनेट को और फेंडर्स को फाड़ा था, तो उसकी ट्रॉली पे मेरी गाड़ी के पेंट के निशान लगे थे। तो वो देख के मैं पक्का हो गया कि यही ट्रैक्टर है। हालांकि ट्रैक्टर वाला उस समय पहचान में नहीं भी आया, तो भी मैंने उसको जबरदस्ती रोक ही लिया कि तुम तो कह रहे थे रुक रहा हूँ, और तुम भाग गए, तुम क्या सोच रहे थे पकड़े नहीं जाओगे। तो वो आँख नहीं मिला रहा था, तो मैं समझ गया कि यही ट्रैक्टर वाला है। फिर वहाँ से उस जगह से तो उसको ट्रैक्टर हटाना था जहाँ से, और दूसरे ट्रैक्टर लाइन में लगे थे, तो उसने वहाँ से ट्रैक्टर हटाया। तो इस बीच मेरा जो सुपरवाइज़र मित्र था उसी फैक्ट्री का, उसने गेट पे बोल दिया कि ये ट्रैक्टर एक्सीडेंट करके भागा है और इसको बाहर मत जाने देना। तो ये सहयोग मुझे मिला, और इस बीच मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि साहब जो आप कह रहे थे कि सुबह ट्रैक्टर पकड़ेंगे, और वो भगवान की कृपा हुई है, वो ट्रैक्टर मेरे अभी पकड़ में आ गया है, और आप कृपया करके आके उसको ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लीजिए। और चूंकि वो ड्राइवर जो है फिर ट्रैक्टर छोड़ के फिर भाग गया है, तो इस बीच मैंने एक काम किया था कि उस ट्रैक्टर में चाबी लगी हुई थी, वो चाबी निकाल के मैंने अपने जेब में रख ली। और तब मैं जब वहाँ पर रुका, पुलिस से पहले करीब 2 गाड़ी और आके रुकी, और 15-20 लोग और 2 गाड़ी में 5-7 लोग, ऐसे करके 25-30 लोग लगभग वहाँ इकट्ठे हो गए, और वो आके मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे कि आप शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, और आप ये कर रहे थे और ऐसा कर रहे थे, और आप देख के नहीं चलते हैं, और मुझे पूरा मुकदमा कचहरी लगा के मुझे दोषी ठहरा रहे थे। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया, तो मैंने 30-40 जो भी जितने भी लोग थे उनकी परवाह ना करके एक जो जोर से चिल्लाया कि भाई लोगों, शराब मैं ज़िंदगी में नहीं पीता, तो आज पिया और नहीं पिया का तो सवाल ही नहीं उठता, और पुलिस वालों के साथ मैं अभी 2 घंटे रह के आ रहा हूँ, अगर मैंने शराब पिया होता तो शायद मुझे ही बंद कर देते, वापस इज्जत से छोड़ के नहीं जाते, और आप क्या मुकदमा कचहरी यहाँ लगा रहे हो, फैसला तो अब वहाँ होगा जहाँ रिपोर्ट लिख चुकी है। उन्हें शायद पता नहीं था मैं रिपोर्ट भी लिखवा के आ चुका हूँ। तब मैंने दोबारा पुलिस को फ़ोन लगाया कि साहब वो 25-30 लोग आ गए हैं और मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, कृपया करके आइए, नहीं तो ये फिर भाग जाएंगे, फिर पकड़ में नहीं आएंगे। और तब मुझे वहाँ पर कोतवाल का फ़ोन आया कि साहब आप रात में इतना तंग मत करिए, हमने भेज दिया है और वो लोग आ रहे हैं। खैर 5 मिनट में पुलिस की जीप फिर आ गई और उन्होंने आके वहाँ देख के और ट्रैक्टर को सीज कर दिया और मुझे कहा कि सुबह आपको बुलाएंगे।
मैं जाके अपनी गाड़ी में थोड़ी देर बैठा, फिर वो जो गेट पे सिक्योरिटी वाले लोग थे, 7-8 लोग, वो आग ताप रहे थे। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि डैमेज गाड़ी में मत बैठिए, आप आइए हमारे साथ, आग में बैठिए। और जिस कार्य में मैं गुण संकीर्तन के लिए निकला रहता हूँ, करता रहता हूँ, वो स्वतः वहाँ शुरू हो गया, क्योंकि उन लोगों ने वो अनुभव मेरा देखा कि 3,500 ट्रैक्टरों में, जो पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई थी अभी 1 घंटे पहले, मैंने अकेले जाके वो एक ही ट्रैक्टर ढूंढा और वो वही निकला। तो ये भगवान की कृपा के सिवा और क्या हो सकता था कि वो, मैं अगर 2 मिनट पहले पहुंचता तो भी वो ट्रैक्टर वहां नहीं दिखता लाइट में, और 2 मिनट बाद भी पहुंचता तो वो ट्रैक्टर वहां से निकल चुका होता। वो व्यक्ति का आना, जो मेरा मित्र था, उसका चाय पिलाना, उसका खिलाना पिलाना, जो भी हुआ, वो सब मिला के टाइमिंग इतनी सटीक बैठी कि वो ट्रैक्टर मेरे पकड़ में आ गया। सुबह के टाइम जब हम वहाँ थाने में पहुँचे तो हमें फ़ोन करके बुलाया था कि आप थाने में आओ, आपसे SHO साहब मिलना चाहते हैं, जो सीनियर इंस्पेक्टर था वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी वहाँ पर एक भूतपूर्व विधायक और एक उस अफजलगढ़ शहर के जो चेयरमैन थे, वो उस व्यक्ति के साथ में वहाँ बैठे हुए थे, जिसने जो ट्रैक्टर का, जो ट्रैक्टर ने मुझे टक्कर मारी थी, उसका जो मालिक था। ये तीनों लोग अंदर पहले से बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि इन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग कर दी होगी, क्या नहीं कर दी होगी, और अब पता नहीं मुझसे क्या कहेंगे। लेकिन सेटिंग करने वाला तो अपना सद्गुरु ही रहता है, हमेशा वही सेटिंग करता है। मैंने तो ऐसा अनुभव अपने जीवन में जीवन पर्यंत करता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जब वो इंस्पेक्टर मुझसे पूरी, उसने आया, मैंने उससे बताया कि साहब मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ और पिथौरागढ़ में पोस्टेड हूँ और मैं वहाँ के लिए जा रहा था, और ऐसे ऐसे जो वाकया हुआ था वो उसके सामने पूरा बयान किया। तो उसने सुना, उसने जो देखा और जो उसके पुलिस के अफसरों ने जो रिपोर्ट पहले से लगा रखी थी, उस सब के बिना पे उसको लगा कि जो बात है ये डॉक्टर ठीक कह रहा है। तो उससे मुझसे एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपके साथ और कौन कौन था। मैं कहा मेरे साथ मैं था और मेरा भगवान था। तो वो बड़े वेगली कहता है कि भगवान तो सबके साथ रहता है। तो मैंने उससे कहा साहब भगवान तो सबके साथ रहता है, लेकिन हम भगवान के साथ कितनी देर रहते हैं, सारी बात इसी पे हमारी जीवन की दिशा और दशा निर्भर करती है। वो इंस्पेक्टर अपनी जगह से उठ गया, खड़ा होकर उसने मुझसे हाथ मिलाया और फिर बैठ गया। बैठने के बाद मुझसे कहता है साहब मैंने भी बहुत अध्यात्म की बातें पढ़ी हैं और बहुत सारी आध्यात्मिक बातें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे जीवन में आज तक इतना सुंदर उत्तर आज तक सुनने को नहीं मिला। और उसने फिर उसके बाद जो फैसला सुनाया, वो कहता था कि जज के पास तो केस बाद में पहुंचता है, पहले तो हम लोग लिखते हैं, पहले फैसला हम देते हैं, और जब ऐसे जज की स्थिति में हम फंस जाते हैं तो हम खुद को विक्टिम की स्थिति में रख के देखते हैं, और जब मैंने आपकी स्थिति में खुद को रख के पाया तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि आपकी गाड़ी बननी चाहिए। और ये बात उसने उन तीनों के सामने कही, और जो लोग विक्टिम और विक्टिम के साथ में जो उसके मददगार में, उसके हिमायत में आए थे, उन लोगों से उसने कहा कि साहब फैसला ये है कि डॉक्टर साहब की आप गाड़ी बनवा के दीजिए, नहीं तो मुकदमा चलेगा और जो भी होगा वो सब आप जिम्मेदार हो, अगर आप फैसला ऐसे करना चाहते हो तो करो। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्होंने हामी भरी, मेरी गाड़ी टो चेन करके वो गैरेज में डलवाई, और मैं अपने 10-12 घंटे का विलम्ब अवश्य हुआ, लेकिन मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से अपने जहाँ मेरी पोस्टिंग है पिथौरागढ़, वहाँ के लिए मैं रवाना हो गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अपने सारे कार्य निपटाए, और मुझे जब वापस आने का समय हुआ, उससे ठीक 2 दिन पहले वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी बन गई है। मैं वहाँ से चलता हूँ, मुझे 27 तारीख को ट्रेन पकड़ के कोल्हापुर कैंप के लिए आना था। तो मैं 22 तारीख को 24 तारीख को मुझे फ़ोन मिला, मैं वहाँ से निकला और आके मुझे गाड़ी मिली। गाड़ी में मेरी 10 साल पुरानी गाड़ी थी, लेकिन बहुत अच्छी चौकस चलती हुई गाड़ी थी, लेकिन जो छोटी मोटी कमियां थी वो भी दूर हो गई, और जो पहले से और बेहतर गाड़ी होके हमको मिली, ऐसे सद्गुरु की कृपा है। और जो गुण संकीर्तन का कार्य है, वो जो मैं बस में बैठा उसमें मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने आगे चल के उन 15 दिन में कम से कम 20 लोगों से फ़ोन पर बात कराई,
और उसके बाद अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद वो माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार थे जिनकी भी गाड़ी ख़राब हुई थी, जो इत्तेफाक से बस में जा रहे थे, मैं भी एक्सीडेंट के कारण उस बस में बैठा था, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे गुण संकीर्तन कार्य में बहुत सहभागी होने का वादा किया है। इस प्रकार मैंने देखा कि जिस कार्य में हम सद्गुरु के लगे रहते हैं और अनन्य भाव से जब हम उसका चिंतन करते हैं तो वो भी हमारे जीवन में हमारे क्षेम का सदैव ध्यान रखते हैं, ऐसा मैंने जीवन में सदैव अनुभव किया है। और इसी प्रकार से मेरा जो जब से बापू के संरक्षण में आया हूँ तब से मुझे पल पल पे पग पग पे बापू का संरक्षण प्राप्त है। हरिओम अम्बग्नि श्री राम।